वेलकम टू इंजीनियर सपोर्ट। हम लोग SP3D की न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इक्विपमेंट, पाइपिंग, स्ट्रक्चर एंड HVAC एंड इलेक्ट्रिकल कवर करेंगे। ओके, तो हमने इक्विपमेंट मॉडलिंग के वीडियोस पहले भी बना रखी है। बिल्कुल ही बेसिक समझनी है, बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल की समझनी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और हम लोग इसमें भी कवर करेंगे सारी चीज़ें। इसमें थोड़ी स्टैंडर्ड अप होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होगा। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी भी कोचिंग्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है SP3D लर्न करने के लिए, क्योंकि 3D मॉडलिंग के साथ साथ ग्राउंड पे इक्विपमेंट कैसे प्लेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप हम लोग लर्न करेंगे। ओके, SP3D में इक्विपमेंट मॉडलिंग के दो तरीके हैं, पहले कैटालॉग इक्विपमेंट एंड सेकेंड डिज़ाइन इक्विपमेंट। तो कैटालॉग इक्विपमेंट में जो हमारी इक्विपमेंट होती है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग मेथड, एक्सेल एंड अनदर मेथड। ओके, एंड सेकेंड होती है डिज़ाइन इक्विपमेंट, जिसे हम बाय यूजिंग सेप बनाते हैं, सेप बाय यूजिंग एक्सटर्नल नोजल, जो भी है एक्सटर्नल सेप्स के यूज करके हम लोग बनाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू सीखेंगे। ओके, इक्विपमेंट टूल्स की ओवरव्यू और इक्विपमेंट प्लेसिंग की ओवरव्यू। बेसिक का पॉइंट आता है वो हमारा इक्विपमेंट मॉडलिंग का टूल्स का आता है। तो हम लोग पहले टूल्स देख लेते हैं। इक्विपमेंट प्लेस कराना बहुत डिफरेंट है, तो इक्विपमेंट बनाने की ओवरव्यू हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, और इक्विपमेंट प्लेस कराने के लिए जो असेट्स होते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो हमारा इक्विपमेंट मॉडलिंग का टूल्स का आता है। तो हम लोग पहले टूल्स देख लेते हैं। जो ये हमारा ये विंडो दिख रहा है, ये जो हमारे है इस टूल्स का यूज करके हम लोग इक्विपमेंट मॉडलिंग करेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला टूल है प्लेस इक्विपमेंट, इसका यूज हम लोग बाय यूजिंग कैटालॉग इक्विपमेंट में करते हैं। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट, इससे हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं। लाइक जैसे आपकी किसी पंप को कोऑर्डिनेट लेना है, किसी वेसल्स की कोऑर्डिनेट लेना है, तो आप यहाँ क्लिक करो प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट, देन आपके पास एक विंडोज ओपन होगी, और इस विंडो में आपकी इक्विपमेंट्स की लिस्ट होगी, आपको किसकी कोऑर्डिनेट लेनी है। लाइक आपने पंप की कोऑर्डिनेट लेनी है, मैकेनिकल ओपन करना है, पंप में जाना है, किसी भी जैसा आपकी पंप हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है उसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट पिक। और अगर आप इसकी रिव्यू देखना चाहो तो आप यहाँ रिव्यू भी इसकी देख सकते हो। ओके, देन क्लिक ओके, देन क्लिक ओके। तो इसके बाद आपके पास एक विंडो पेयर होगा, तो इसमें आप इसका इक्विपमेंट नेम लाइक ABC समथिंग और जो इसकी रिक्वायरमेंट डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। ठीक है, इक्विपमेंट की डिस्क्रिप्शन, मैं इस सारी चीज़ों को और डिटेल में बताऊँगा बाद की वीडियोज में, पूरी फुल्ली एक भी पॉइंट मिस नहीं होगी। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ टूल्स की यूजेस सीखनी है, टूल्स की वर्क क्या है मैं इसकी वीडियो के एंड में पूरी लिस्ट दे दूंगा पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, तो पहले आपको ये लर्न करनी है ताकि बहुत ही इजी हो जाएगा, देन क्लिक ओके। तो जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी, आप अभी के लिए कहीं भी प्लेस कर लो, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके लिए, अभी हम लोग सिर्फ टूल सीख रहे हैं। ओके, प्लेस करते ही आपको यहाँ पे इक्विपमेंट आ जाएगा, जैसे हमने ABC नेम दिया था तो ये हमारी इक्विपमेंट की कोऑर्डिनेट आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है प्लेस इक्विपमेंट कंपोनेंट। तो प्लेस इक्विपमेंट कंपोनेंट भी हमारे कैटालॉग से रिलेटेड है, कैटालॉग इक्विपमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग इसे स्किप करेंगे, अभी कैटालॉग वाले पार्ट में इसे कवर करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारे पास टूल है प्लेस डिजाइन कंपोनेंट टूल, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे एक पंप बनाया आपने और उस पंप में क्या क्या कंपोनेंट लगना है, जैसे उसकी ड्राइव हो गई, नोजल्स हो गई, सक्शन डिस्चार्ज नोजल हो गई, फ्लो मीटर्स हो गई और एक्सेट्रा जो भी कंपोनेंट आते हैं, तो उसकी कोऑर्डिनेट लेने के लिए हम इस टूल्स का यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने पंप को पिक करना, अभी तो हमारे पास पिक है, अगर ये विंडो अपेयर नहीं होता है उस केस में आपको पंप की जो कोऑर्डिनेट लिया है उसे आपने पिक करनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे पास जो कंपोनेंट विंडो आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस कंपोनेंट, एयर कंपोनेंट ये मिलेंगे, तो जो ये सारे कंपोनेंट्स है सपोर्ट्स है, तो ये हमारी पंप की सपोर्ट्स होगी, लेग्स है, सैडल्स है, स्कीड है, आप इनकी रिव्यू करना चाहो तो रिव्यू कर सकते हो। ओके, पिक्चर नॉट अवेलेबल आई थिंक,
लेग्स, पिक्चर नॉट अवेलेबल, ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके एयर कूलर कंपोनेंट, ओके मे बी कैटालॉग इशू की वजह से पिक्चर्स नहीं शो रहा। हाँ ये समथिंग ऐसा आपकी पिक्चर शो होगी, तो ये आपकी जो है ये जो आपकी ड्राइव है पंप की ड्राइव है ये है, तो आप इसकी कोऑर्डिनेट ले सकते हो यहाँ से। इसकी कोऑर्डिनेट लेने के बाद आप जो आपने पंप की कोऑर्डिनेट लिया उसके साथ आप मैसअप कर सकते हो। ओके मतलब दोनों की कोऑर्डिनेट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो यहाँ से इस टूल की हेल्प से। ओके और नेक्स्ट हमारे पास आती है सेप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेप्स का यूज करके जो हमारे सेकेंड टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इक्विपमेंट उसे बनाते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास यह सेप्स की विंडो अपेयर होगी। इस विंडो में आपके पास सिलेंडर है, कोन है, डिस्क है, रेक्टेंगल है, पैरामिड है और नेगेटिव काटने की टूल्स हैं। तो आप इससे एज पर रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट मॉडल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है नोजल। किसी भी इक्विपमेंट को बनाने का रीज़न क्या होता है, इसमें पाइप कनेक्ट करना है, पाइप कनेक्ट करने के लिए आपको नोजल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे पास नोजल्स हैं, हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे बट नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे, आने वाले वीडियोज में सीखेंगे इनकी यूजेज, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इसमें सिर्फ टूल्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आती है ये होती है इंटर इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे सेप्स इंपोर्ट किया जाता है, लाइक अपने माइक्रो स्टेशंस या अनदर सॉफ्टवेयर में कोई अपने मॉडल बनाया है और उस मॉडल को आप SP3D में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस टूल की हेल्प से इंपोर्ट कर सकते हो। बट वन कंडीशन, फाइल एक्सटेंशन सपोर्टेबल होनी चाहिए SP3D में, ठीक है। इसके बाद रोटेशन टूल है, यहाँ से आप इक्विपमेंट बनाने के बाद 90-80 समथिंग एज पर नीड डिग्री रोटेट कर सकते हो इस टूल की हेल्प से। जब हम लोग इक्विपमेंट मॉडल करेंगे तो प्रॉपर वे में सारी टूल्स का यूज भी सीखेंगे। सिर्फ ओवरव्यू वीडियोज है ये, इसलिए मैं आपको पूरी फुल्ली डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ओके क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब ही वही है कि थोड़ी सी लेवल नेक्स्ट हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पार्ट चले, थोड़ी एक भी डिटेल्स मिस ना हो। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेस डिज़ाइन सॉलिड, ठीक है। अगर आपने किसी सॉलिड इक्विपमेंट बना लिया और वो हॉलो नहीं है और उसे आपने हॉलो बनानी है, तो आप इस टूल की हेल्प से उसे हॉलो बना सकते हैं। ओके इक्विपमेंट मॉडलिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही टूल यूज में लेनी है। इस टूल्स की यूज करके हम किसी भी इक्विपमेंट की ड्राइंग को बना सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ऊपर में टूल्स आती है, ये हमारी सारे टूल्स हेल्प करने वाले टूल्स है इक्विपमेंट मॉडलिंग में। हेल्प इक्विपमेंट मॉडलिंग क्या हर एक मॉड्यूल में हेल्प करेगी, ठीक है, बट हमारे जो बेसिक्स टूल हैं वो हमारे पास ये हैं। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्विपमेंट प्लेसिंग ओवरव्यू। इक्विपमेंट प्लेस करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉइंट्स को देखना होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विपमेंट। तो पहला पॉइंट्स हमारे पास है सिंपल फिजिकल असेट्स। तो सिंपल फिजिकल असेट्स में क्या होता है, इक्विपमेंट आपकी प्लांट में जहाँ भी लगी है या जहाँ भी आपने उसे प्लेस किया है वो क्लियर विजिबल हो, क्लियर शेप में हो, ओके और उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा इंसुलेशन का है, इंसुलेशन असेट्स। लाइक आपने एक इक्विपमेंट बनाया 500 डायामीटर का और आपने उसे प्लेस कर दिया उस स्पेस पे, और आपने वहाँ पे ये नहीं देखा कि हमारे पास इंसुलेशन भी है, स्पेस को चेक नहीं किया आपने, इंसुलेशन को चेक नहीं किया और आपके उस इक्विपमेंट में इंसुलेशन भी आनी है। लाइक आपकी इक्विपमेंट है 500 की और उसमें इक्विपमेंट इंसुलेशन आनी है 200 की, यानी कि 500 प्लस 200, ओके बट आपने सिर्फ और सिर्फ 500 के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट प्लेस करा दिया, तो आपने आपकी जो 200 स्पेस एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगी वो। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है प्लेस करते टाइम हमारे पास इंसुलेशन है या नहीं है, ओके और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है ऑपरेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक आपने किसी हीट एक्सचेंजर को बनाया एंड उसे प्लेस कर दिया और प्लेस ऐसी स्पेस में किया कि जहाँ पे उसकी असेंबली की, डिसेंबली की, क्लीनिंग की स्पेस नहीं है,
तो आपको क्या करना है, आप हीट एक्सचेंजर की स्पेस के बराबर आपको उसके फ्रंट साइड या बैक साइड जहाँ से वो हीट एक्सचेंजर का जो इंटरनल पार्ट्स है, पाइप जो इंटरनल्स पाइप्स हैं वो बाहर आए, क्लीनिंग हो, और उसकी जो रिपेयरिंग हो तो उसकी जो पार्ट्स वगैरह आए वो इजीली स्पेस में रख सके हम लोग। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। अगर आपने प्लेस करा दिया, आपके पास मेंटेनेंस की, आपके पास ऑपरेशंस की कोई स्पेस नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स। मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स में क्या होता है, अपने की इक्विपमेंट बनाया, इक्विपमेंट के ऊपर पाइप्स हैं या अनदर चीज़ है, मैंस होल है, तो उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे मेंटेनेंस करने के लिए आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म देनी है, लेडर्स देनी है, ताकि किसी नॉर्मल मैन हाइट तो जितनी होती है इस पे आप तो ऑपरेट करा नहीं सकते हो, किसी 5 मीटर के ऊपर मैन होल लगा हुआ है उसको, तो इसके लिए आपको हैंडरेल देने हैं, प्लेटफॉर्म देने हैं, लेडर्स देने हैं कि हाँ वहाँ पे ऊपर जाए मेंटेनेंस करे। तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है, फिर इक्विपमेंट मॉडलिंग करनी है, अदरवाइज आप बिल्कुल टोटली यूजलेस है। मेरे पास है रेफरेंस एस्पेक्ट्स। रेफरेंस एस्पेक्ट्स होते हैं इक्विपमेंट के डेटम पॉइंट। ओके, तो इक्विपमेंट के डेटम पॉइंट को, जो इक्विपमेंट की डेटम पॉइंट होती है उसके वैल्यू को लेकर ही, इसकी कोऑर्डिनेट को लेकर ही हम इक्विपमेंट प्लेस कराते हैं। तो आपको इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अगर आपने डेटम पॉइंट सेंटर पे कर रखा है और आपने इक्विपमेंट को प्लेस कराना है बॉटम पॉइंट से, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डेटम पॉइंट चेक कर ले कि हमारी इक्विपमेंट की डेटम पॉइंट बॉटम पे है, मिडिल पे या टॉप पे है। ओके, इसके बाद ही इक्विपमेंट प्लेस कराएं। उसके बाद हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट्स और आती है, इक्विपमेंट पोर्ट। अगर आपने इक्विपमेंट बनाया है तो इक्विपमेंट्स में आपने पोर्ट लगाए होंगे, यानी नोजल लगाए होंगे। अगर किसी भी इक्विपमेंट है उसमें एक पाइप आनी होगी, HVAC सिस्टम आनी होगी, केबल ट्रे सिस्टम आनी होगी और अनदर सिस्टम्स आनी होगी, तो उसके लिए आपने पोर्ट लगाया है वो प्रॉपर लोकेशन पे है या नहीं, प्रॉपर लोकेटेड है या नहीं, या वहाँ पे पाइप राउटिंग की स्पेस है या नहीं, आपको इनको भी ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये भी टोटली यूजलेस हो जाएगी। आपकी इक्विपमेंट मॉडलिंग और इक्विपमेंट प्लेस करने की कोई सेंस नहीं बनेगी। ओके, तो ये थी हमारी बस ओवरव्यू SP3D की, SP3D की ओवरव्यू और इक्विपमेंट प्लेसिंग की ओवरव्यू। आई थिंक इतनी पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हो तो आप इक्विपमेंट मॉडल कर सकते हैं, इक्विपमेंट प्लेस कर सकते हैं, विदाउट इसके नथिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।